देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन वेपर पावर साइकिल। तो न्यूमेरिकल ऑन वेपर पावर साइकिल पढ़ने के पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट देखते हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट है, आपने सेमेस्टर फर्स्ट में स्टडी किया होगा। उस क्या है, प्योर सब्सटेंस का डायग्राम बनाना है, पीवी डायग्राम। जैसे ये हो गया पी वी डायग्राम, तो इस पीवी डायग्राम हम लोग ये समझेंगे कैसे ये डायग्राम बनता है, ये डायग्राम इस प्रकार ही क्यों लिया गया है। यदि हम लोग दूसरे प्रकार से लेते हैं, आप ये भी कह सकते हैं ये डायग्राम ऐसे संभव है, आखिर ऐसा क्यों संभव नहीं हुआ, ये ही हम लोग का क्यों सही हुआ वो देखते हैं। तो देखिए ये आप जानना पड़ेगा, ये लाइन जो एक क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ये लाइन जो है इस लाइन के इस ओर मीन्स लेफ्ट की ओर सेचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाता है, और इस पॉइंट के इस ओर कहलाता है सेचुरेटेड वेपर लाइन। इसका मीनिंग ये हुआ, ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन, मीन्स ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया कहलाता है लिक्विड। क्या कहलाएगा, लिक्विड। और ये एरिया जो कहलाएगा, ये कहलाएगा प्योर वेपर। क्या कहलाएगा, प्योर वेपर, या इसी को बोल सकते हैं सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर कह सकते हैं। और जैसे जैसे ये हम लोग इस ओर शिफ्ट करेंगे, देखिए इस ओर शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे इस ओर शिफ्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ वेपर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और परसेंटेज ऑफ लिक्विड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग जनरली डोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं। मीन्स परसेंटेज ऑफ वेपर और लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक पढ़ा होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये बतलाता है इन रीजन ऑफ डोम, इन रीजन ऑफ डोम, इन रीजन ऑफ डोम ये बतलाता है परसेंटेज ऑफ वेपर कितना है और परसेंटेज ऑफ लिक्विड कितना है। मीन्स आप कह सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। यदि एज्यूम दैट एक्स का मान वन है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन कहाँ पे, ये लाइन यहाँ है, ये एक्स इक्वल टू वन। मीन्स आप कह सकते हैं दी इन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन ओनली वेपर एग्जिस्ट, या इस पॉइंट के इस ओर आते हैं हम लोग, हैं इस पॉइंट से इस ओर आते हैं, तो आप कह सकते हैं इस दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स ओनली लिक्विड आर देयर, सिर्फ लिक्विड है, लेकिन इस रीजन में लिक्विड एज वेल एज वेपर बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इस रीजन में एक्स का मान हमेशा जीरो और वन के बीच में होगा। परसेंटेज मीन्स आप कह सकते हैं जैसे एक्स का मान कभी भी वन से मत जीरो अधिक संभव नहीं है, न ही जीरो से कम संभव, मीन्स एक्स का मान ऑलवेज एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में। तो दूसरा पॉइंट ये थे, पीवी डायग्राम में ही देखते हैं कि ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा किसमें, वेपर पावर साइकिल में ये डायग्राम पढ़ा होगा। मीन्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, प्रेशर क्या हो रही, इंक्रीज कर रहा है, और हर एक पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, सेचुरेटेड टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस का सेचुरेटेड टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, उसका वेरिएशन जो है अकॉर्डिंग टू प्रेशर होता है, जैसे P1, P2, P3, P4 ये होता है। ठीक कह सकते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर T1 सेचुरेटेड ये हुआ, और T2 सेचुरेटेड वो हुआ, T3 सेचुरेटेड ये हुआ, और T4 सेचुरेटेड ये हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मीन्स प्रेशर इंक्रीज करता है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का सेचुरेटेड टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, देखिए इंक्रीज कर रहा है। मीन्स आप कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं
कि सेचुरेटेड टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी प्योर सब्सटेंस का फिक्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर वो क्या करता है, वेरिएशन होता है। और जैसे जैसे इस एरिया में हम देख रहे हैं, एरिया क्या हो रहा है, देखिए कर्व हो रहा है, यहां से आप देखिए यहां से चल रहा है कर्व, हो गया नहीं कर्व हो रहा है, कर्व हो रहा है। तो जैसे ही एरिया ये कर्व हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां से यह जो आपने हीट जो दिया, ये कौन सा हीट है आपने हीट दे रहा है ना, ये हीट जो दे रहे हैं ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हीट दे रहा है। यहां देखिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये भी टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, ये भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो आप कह सकते हैं इस लाइन पे, जैसे मान लेते हैं हम लोग इसके लिए लेते हैं, जितना टेम्परेचर टी वन यहां पे है उतना ही टेम्परेचर टी टू यहां है ना, देख रहे हैं क्लियर दिखाई पड़ रहा है, टी वन इक्वल टू टी टू, टी वन इक्वल टू टी टू। मीन्स ये जो आप हीट दे रहे हैं इस पोजिशन से इस पोजिशन तक आने में अपना टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप पढ़े भी होंगे, यदि किसी भी टेम्परेचर को देने के कारण, टेम्परेचर हीट देने के कारण यदि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है तो उसी हीट को क्या बोलते थे, लेटेंट हीट बोलते थे। मींस यहां से यहां सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर आपका चेंज नहीं कर रहा है। ओनली फॉर चेंज द स्टेट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, नॉट चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप जा रहे कर्व, कर्व होते जा रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर पे आप किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो उसका जो लेटेंट हीट क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे क्या होता है, बिना टेम्परेचर दिए हुए ही लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग एक दूसरे डायग्राम से भी समझेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं, देखिए क्या, कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है, ये सॉलिड मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें यदि हम लोग हीट सप्लाई करेंगे Q added, तो श्योर है ये सॉलिड क्या इतना हीट देंगे कि सॉलिड का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। लेकिन ये सॉलिड में ही रहे, ये क्या है सॉलिड, प्योर सब्सटेंस है, मान लीजिए ना वहां प्योर सब्सटेंस है, यदि ऐड करते हैं 0 डिग्री चलते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां जो है यहां हीट आप दे रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमने क्या देख रहा है, यहां से 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इस हीट को इसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं, क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे। मीन्स सेंसिबल हीट किसको कहते हैं, जो हीट आपको पता चले, जो एहसास हो, जिसे पता चले कि क्या हीट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपको छूने से पता चल जाए या आपको किसी मेजरमेंट से पता चल जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाए, लेकिन आपको पता चले हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे सॉरी लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, अब चूंकि ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पहुंच गया, इसी को हम बोलते हैं टी सेचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉलिड स्टेट, क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉलिड स्टेट बोलते हैं टी, इसका अपना टेम्परेचर होगा कि अब कहने में इसके, इसमें थोड़ा सा भी यदि आप हीट दिया, थोड़ा सा भी हीट दिया, हीट एडेड किए, ये कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन में, लिक्विड लाइन, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है टेम्परेचर। देखिए अब यदि इसमें से थोड़ा सा भी हीट को रिमूव कर दे,
बाहर निकाल लिया जाए, खींच लिया जाए, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें। लेकिन जैसे सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट पे अब थोड़ा सा भी हीट दिया, फिर से ये कन्वर्ट किस में जाएगा, ये मीन्स इसी स्टेट को, ये जो स्टेट हो रहा था ये फिजिकल चेंज हो रहा है ना, तो ये जो हीट है यही हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। वही तो यहां दिखाया गया है ना, लेटेंट हीट में यही लेटेंट हीट है, नहीं लेटेंट हीट यही है। तो आप कह सकते हैं कि अब यदि इसमें और हीट सप्लाई करते हैं, हीट ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है, देखिए किसमें, लिक्विड में होता है कन्वर्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, स्टेबल लिक्विड। क्या बोलते हैं? स्टेबल लिक्विड बोलते हैं। इसका एक नाम और है क्या, कंप्रेस्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड लिक्विड बोलते हैं। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा हीट के यार निकाल लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे सॉलिड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको यदि थोड़ा सा हीट निकाल भी लिए, यदि थोड़ा सा हाफ हीट निकाल भी लिए, इस स्टेट में होगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड लिक्विड या स्टेबल लिक्विड या लिक्विड बोलते हैं। अब इसमें हीट और दे रहे हैं, हीट और दिया आपने, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड में स्टेट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा भी हीट आपने और दिया, ये भी कौन हीट कहलाएगा, ये भी कहलाएगा सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, सेंसिबल हीट कहलाएगा। और ये भी कहलाएगा क्या, सेंसिबल हीट कहलाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा भी हीट दिया आपने तो ये फिर से कहला जाएगा क्या, हम लोग का सेंसिबल सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर कहलाएगा। मींस ये जो हीट दिए ये फिर क्या है, लेटेंट हीट, क्या है, लेटेंट हीट है। अब इसमें हीट और ऐड करेंगे फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सुपर हीटेड वेपर में। यही सुपरहीटेड वेपर जो है आपने देखा क्या, देखिए यही है ना, सुपरहीटेड यही है, यही कहलाएगा क्या, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, और ये कहलाएगा सैचुरेटेड वेपर। मींस आप यदि ये डायग्राम कहीं भी आप देखिएगा, ये मींस ये कहलाएगा लेटेंट हीट, ये क्या है, लेटेंट हीट कहलाएगा। यह फेज चेंज हो रहा है, मींस यहाँ पे मास ऑफ वेपर भी है, मास ऑफ लिक्विड भी है, नहीं मास ऑफ वेपर भी है, मास ऑफ लिक्विड भी है, दोनों अवेलेबल है। तो कहने में क्या, यदि इस डायग्राम को इस पे बनाइएगा, कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यदि इस डायग्राम को यहाँ उस पे पीवी डायग्राम बनाइएगा तो सिंपल सी बात, देखिए कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए जैसे देखिए मानते 1 है, -10 डिग्री सेल्सियस है स्टेट 1, ये क्या है, ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉलिड। फिर देखिए यहां से यहां कहा गया सैचुरेटेड, कहा गया सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, अब कहा जाएंगे सैचुरेटेड, नहीं सर, ये कहलाएगा सॉलिड, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन। और ये भी कहलाएगा क्या, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। मीन्स स्टेट हो गया क्या, ये हो गया स्टेट 1, ये स्टेट 1 हो गया, ये स्टेट 2 हो गया, और ये स्टेट हो गया 3, ये हो गया क्या आपका 4,
ये स्टेट हो गया क्या, फाइव, सैचुरेटेड लिक्विड एंड फाइव हो गया, और ये कहलाएगा सैचुरेटेड सिक्स, और ये कहलाएगा स्टेट सेवन। ये डायग्राम, तो आप कहिएगा सर ये डायग्राम कैसे बना, तो देखिए सिंपल सी बात, देखिए ये लाइन जा रहा है ना, ये तो जानते हैं आप क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, इस पे अपना फिक्स टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। तो यदि प्योर सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस को आप अलग अलग प्रेशर पे हीट आप करते हैं, एक ही प्योर सब्सटेंस को अलग अलग प्रेशर पे हीट करते हैं, तो उसका हर एक पॉइंट, देखिए प्रेशर देखिए क्या हो रहा, बढ़ेगा धीरे धीरे एक कर्व की ओर, क्या है मूव करेगा, जब हर एक पॉइंट को मिला देंगे तो एक कर्व की ओर मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप देखिए ऊपर की ओर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कर्व हो रहा है ना, घट रहा है, मीन्स लेसेंट लेटेंट हीट जो है हाई प्रेशर पे घटना लगती है, मीन्स एक पॉइंट ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पे, जिस प्रेशर पे बिना हीट किए हुए, बिना लेटेंट हीट दिए हुए कन्वर्टेड इंटू क्या कहलाता है, वेपर हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट की क्या कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे दोज पॉइंट ऑन द कर्व, दोज पॉइंट ऑन द कर्व, दोज पॉइंट ऑन द कर्व वेयर Without heat supply, any pure substance converted into liquid state। देख इतना पढ़ने के बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे न्यूमेरिकल को, वेपर पावर साइकिल की ओर, न्यूमेरिकल वेपर पावर साइकिल की ओर। तो अब हम लोग इसमें एक बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें रीहीट का भी यूज किया जाएगा, रीहीट का भी यूज किया जाएगा, रीजनरेशन का भी यूज किया जाएगा, और सभी को हम लोग बारी बारीकी से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर वेपर पावर साइकिल का न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे बनना बनने की कोशिश करेंगे हम लोग, और सीखेंगे एक एक करके ये समझने के बाद। थैंक्स।